Students, welcome to the next lecture. Lecture number 2 on the topic capacitor. But आज हम पढ़ेंगे energy stored in the capacitor और कुछ questions करेंगे concept को समझने के लिए. तो energy stored in the capacitor का जो तरीका है, जो method है हमारे पास, दो methods हैं. हम दोनों method discuss कर रहे हैं बारी बारी. जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो. तो हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कैपेसिटर और कंडक्टर में दोनों लिखे हैं. वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर और इसको बेटा हमें चार्ज करना है. चार्ज करने के लिए हम इसको स्मॉल अमाउंट में डी क्यू चार्ज सप्लाई करेंगे. और वो चार्ज कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से. तो जब आप पहले फर्स्ट टाइम जो आप चार्ज लेके आए डी क्यू वाला, तब तक इस पर कोई चार्ज नहीं था. इस डी क्यू चार्ज को यहाँ पे लाने में हमने कोई वर्क नहीं किया. लेकिन जैसे आप अगला पार्ट लेके आओगे डी क्यू, अब इस पर चार्ज डी क्यू आ गया है, वो उसको रिपेल करेगा और हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. इट मीन्स इस कंडक्टर को जब आपको फुल्ली चार्ज्ड करना है, फुल्ली चार्ज करने में ये चार्ज डी क्यू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, फुल्ली चार्ज करने में आपने कितना वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कंडक्टर और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. इसको हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं बेटा. देखो, कोई भी कंडक्टर है या कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटी है होती है चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज ट्रांसफर बेटा, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर कितना किया है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. ये हम सबको पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसको हम वी मान सकते हैं. इनिशियली टी इक्वल टू जीरो, इसकी कैपेसिटी तो फिक्स है बेटा. जो कैपेसिटी है मैंने बताया था कि चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, वो तो एबिलिटी है टू होल्ड द चार्ज, वो उतनी ही रहेगी. तो एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटी बेटा सी, चार्ज जीरो पोटेंशियल भी जीरो है. कुछ टाइम बाद आपने इसको चार्ज दे दिया, आफ्टर टी इक्वल टू टी कैपेसिटी उतनी रहेगी सी, लेट चार्ज मेरे पास कितना हो गया बेटा क्यू, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा. अब चार्ज अगर क्यू है तो यहाँ से बेटा आप पोटेंशियल निकाल लो, ये ऊपर जाएगा कैपेसिटी नीचे आएगी, तो पोटेंशियल आ जाएगा उस टाइम पे क्यू बाई सी. मीन्स जब इसको आपने चार्ज Q दे दिया तो इसका पोटेंशियल होगा Q अपॉन C. एक फॉर्मूला और भी पढ़ते हो K Q बाई R, नहीं हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम कैपेसिटी के फॉर्म में बेटा बात कर रहे हैं. तो पोटेंशियल होगा Q बाई C. अब इतना इसका पोटेंशियल है, इतना इस पर चार्ज है. फर्दर अगर आप इसको चार्ज देते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होता है वो हम निकाल लें अगर, तो वर्क डन ही तो एनर्जी होती है. इट मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज डी क्यू, कहाँ से लेके आए बेटा? इन्फिनिटी से. कहाँ तक लेके आए? कंडक्टर तक. तो डेल्टा वी इन्फिनिटी से कंडक्टर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. मैंने डी डब्ल्यू क्यू लिखा, वी चार्ज स्मॉल लेके आए तो वर्क भी स्मॉल करेंगे. इसको बेटा कैसे ले सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो वी कंडक्टर माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है. कंडक्टर कितना पहुंच चुका है उस टाइम पे? वी इक्वल टू क्यू बाई सी, इसका पोटेंशियल माइनस जीरो इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू. आपको तो वर्क निकालना है तो चार्ज को मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, डी क्यू बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू. ये स्मॉल वर्क आ गया उसको डी क्यू चार्ज देने में. टोटल वर्क निकालना है जब इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू पहुंचे, कितना पहुंच जाएगा कैपिटल क्यू. टोटल चार्ज निकालना है जब इस पे चार्ज कितना पहुंच गया कैपिटल क्यू. बेटा पहले कितना था? जीरो. जीरो से और कितना पहुंच गए हम? क्यू. इट मींस इंटीग्रेट कर देंगे. तो टोटल वर्क जब आप निकालोगे, इंटीग्रेशन क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, जीरो से लेके क्यू बेटा. सी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. क्यू इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, एक पावर ऐड होगी क्यू स्केयर बाई टू, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्टेप काट दिया है बेटा तो सीधा क्यू स्केयर बाई टू.
वन बाई टू क्यू स्केयर बाई सी. दिस द वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. बेटा ये जो वर्क किया है इसको चार्ज करने में वो स्टोर कैसे हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स यू कैन राइट हेयर यू इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन टू सी. अगर आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था, 4πε₀r होता है बेटा. इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे 4 × 2 = 8 हो जाएगा. तो आपके पास जो एनर्जी आई क्यू स्केयर अपॉन 8πε₀r, ये भी एनर्जी ऑफ कंडक्टर है. इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल. मैंने कंडक्टर होलो माना हुआ है. फर्दर अगर आप इस रिजल्ट को मॉडिफाई करना चाहोगे तो यू इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन टू सी. बेटा क्यू इक्वल टू सी वी, देखो यहाँ देख लो ना, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी. तो क्यू की वैल्यू सी इंटू वी पुट कर सकते हैं. तो सी स्केयर वी स्केयर, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी बचेगा, सी वी स्केयर बाई टू. उसके बाद आप चाहो तो सी की वैल्यू पुट कर दो क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी. तो बेटा क्यू अपॉन वी, एक वी से भी कट जाएगा, तो क्यू बाई टू. कहने का मतलब जो आपके पास एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है और जो कंडक्टर है उसको आप तीनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, इस फॉर्मेट में भी, इसमें भी, इसमें भी. जनरली क्या होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, या आगे पढ़ेंगे तो हम यूज ये करते हैं. पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बेटा, तो हम ये डिस्कस करते हैं, और ये करते हैं हम मिक्स के लिए. जनरल बातें बता रहा हूँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता है. अब मेथड नंबर टू, कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये एक प्लेट ये. बेटा इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज भेजना है हमें. मान लो इनिशियली दोनों पे चार्ज जीरो जीरो है, मीन्स बोथ आर न्यूट्रल. अगर ये प्लेट इसको चार्ज डी क्यू दे देगी तो इस पे तो प्लस का डी क्यू हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस का डी क्यू. ऐसे ही बेटा करते करते हम इसको डी क्यू देते रहेंगे. कब तक, मान लिया एट एनी इंस्टेंट इस पे चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू, तो इस पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू. ये जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इट इज द एक्सटर्नल एजेंट, कैपेसिटर अपने आप नहीं कर रहा बेटा. ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको ट्रांसफर वो कर रहा है. डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू देते रहेंगे चार्ज, और आ गया और आ गया और आ गया और आ गया. ऐसे ही करते करते हम इसको फुल चार्ज करना है. वही कॉन्सेप्ट, पहले चार्ज जीरो था, बाद में इसको कैपिटल क्यू तक पहुंचाना है. एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने मान लिया इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज बेटा माइनस क्यू. तो अगर देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. हमेशा हम प्लस क्यू यूज करते हैं बेटा. अगर चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल बन गया होगा. मैंने मान लिया कि चार्ज Q पोटेंशियल V एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब आप चार्ज ट्रांसफर करें उस दौरान कभी भी मान सकते हैं कि चार्ज Q है, पोटेंशियल मैंने V मान लिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटा. तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी होती है Q अपॉन V, और इसमें V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C. ये इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल है उस कैपेसिटर के अंदर. अब अगर उसको और भी चार्ज करना है तो पोटेंशियल जब आपके पास है और चार्ज और भी आ रहा है तो पोटेंशियल के जहां पोटेंशियल है वहां चार्ज आएगा तो वर्क करना पड़ेगा. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू डी क्यू. अगर आपने इतना चार्ज और भेजा इस स्टेज के बाद तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वी इंटू डी क्यू. बेटा एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं. मैंने आपको पहले पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज होती है, वही मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. यहाँ पे चार्ज कितना था, ऑलरेडी पोटेंशियल कितना था पहले, वी. कितना चार्ज आया आगे से, डी क्यू. तो वर्क हो गया वी इंटू डी क्यू. वी की वैल्यू बेटा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू. ये स्मॉल वर्क आ गया. टोटल वर्क निकालना, इंटीग्रेशन कर दो. आप सबको आता है ये, आगे देखो वही रिजल्ट आया जो पहले आया था. तो आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई मेथड ऑप्ट कर सकते हो, दोनों ठीक होंगे बेटा. रिजल्ट आपका वही आना है. अब एक बात कर रहा हूँ मैं कि एक्सटर्नल एजेंट कौन है भाई, जो चार्ज को भेज रहा है इस डी क्यू अमाउंट को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भेज रहा है, वो एजेंट है कौन. वो एजेंट है आपकी बैटरी, ये वाली. ये तो कैपेसिटर है बेटा, ये आपके पास क्या है, बैटरी. जब आपने स्विच को ऑन कर दिया
तो क्या होगा, ये बैटरी ये चार्ज को भेजेगी और इसको चार्ज कर देगी, ठीक है। अब मान के चलो कि जो आपके पास बैटरी है उसने चार्ज कितना सेंड किया, उसने चार्ज सेंड किया Q, मैंने मान लिया। उसका वोल्टेज कितना था V, जो बैटरी का पोटेंशियल है बेटा वो तो V मान लिया मैंने, और चार्ज उसने कितना सेंड किया Q, इसका मतलब वर्कडन बाय बैटरी कितना हुआ, वर्कडन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो बेटा वर्कडन बाय द बैटरी हो गया क्यू इंटू वी, क्या हो गया क्यू इंटू वी, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ बैटरी। मींस बैटरी ने इतना वर्क किया और कैपेसिटर चार्ज हुआ तो उसमें वर्क डन कितना हुआ, मींस स्टोर्ड एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की, 1/2 QV। बताओ ये वर्क बैटरी ने किया, इतना स्टोर हुआ, आधा हुआ, आधा कहाँ गया, आधा चला गया हीट लॉस में बेटा। डेल्टा यू वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बेटा क्यू वी अपॉन टू, ये क्या है हीट लॉस, क्या हमारे पास ये हीट लॉस होगी है, जितना वर्क किया बैटरी ने उतना सारा स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हीट, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन एनर्जी, हो सकता है कैपेसिटर पहले से चार्ज हो तो फाइनल एनर्जी कितनी है, इनिशियल कितना डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा, तो ये आपका डेल्टा यू आ गया। अब आता है इसके बाद, अब आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी बेटा देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटर कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। पोटेंशियल क्या होता है, ए इंटू डी, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना काम कर रहा है हमारे पास, यहाँ से आके पॉजिटिव से नेगेटिव, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल आ जाएगा। अब सी और वी की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यू हाफ ए एप्सिलॉन अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से बेटा डी कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए ये वाला और डी यहाँ से बचा था ए डी, द एरिया इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई वॉल्यूम बन जाएगी, इस वॉल्यूम नीचे भेज दे मैंने, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, ऐसे ही एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, और यू कैन से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसका जिक्र हम आगे तक करेंगे जब तक आप चार्ज के बारे में पढ़ते रहोगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझे बहुत। बेटा आपके पास ये कोई भी कैपेसिटर है एक, ध्यान से सुनो बातें अच्छे से, ये जो कैपेसिटर है इसको ऑलरेडी पोटेंशियल वी से चार्ज कर रखा है, थोड़ी देर के लिए बैटरी भूल जाओ आप, कैपेसिटी सी है, इसका पोटेंशियल वी वोल्ट है, इधर प्लस इधर माइनस, तो बेटा चार्ज निकालना आता है, चार्ज होता है सी इंटू वी, चार्ज क्या होता है सी इंटू वी, क्यू इक्वल्स टू बेटा सी इंटू वी, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल, तो इस प्लेट पे पोटेंशियल क्या आएगा सी इंटू वी प्लस का चार्ज, सॉरी चार्ज क्या आएगा सी इंटू बेटा प्लस का चार्ज, इस पे नेगेटिव था तो सी इंटू माइनस वी, एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आ गया सी वी, एक पे क्या आ गया नेगेटिव। अब कहता है इसी कैपेसिटर को जब ये चार्ज था उसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी के साथ, बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और बैटरी इससे रिवर्स है, ध्यान से देखो ये प्लस इधर माइनस था बेटा, बैटरी का रिवर्स इधर क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस। अभी बैटरी क्या चाहेगी, जो बैटरी आपने लगाई है ये चाहेगी कि जितना पोटेंशियल इसका है उसको इतना पोटेंशियल दे दिए। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, बैटरी ने कितना वर्क किया और हीट लॉस कितना हुआ। जो टॉपिक अभी पढ़ाया था एनर्जी को टॉपिक में आपको, उसका थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट आपको बेटा ही।
क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि कोई कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटी सी है, उसको ऑलरेडी पोटेंशियल वी से चार्ज किया जा चुका है, उसके बाद उसको एक 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। अब ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। अब कैसे बेटे, जो बैटरी है 2 वोल्ट वाली, ये कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा, वर्क कितना करेगा, हीट लॉस क्या होगा? देखो, जब हमारे पास इनिशियल स्टेज है बेटा, ये स्टेज इनिशियल है, वी वोल्ट है, सी कैपेसिटी है, इस पे चार्ज आ गया प्लस का सी वी, इस पे आ गया माइनस का सी वी, चार्ज होता है सी इंटू वी। जब आपने 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ी तो क्या हुआ, ये बैटरी ये चाहेगी कि इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाए। भाई जो आपके पास ये है, कैपेसिटी तो उतनी रहेगी सी, ये तो बढ़ेगी नहीं, ये बैटरी चाहेगी पोटेंशियल इंटू कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज। अब पोटेंशियल कितना हो गया 2 वोल्ट, कैपेसिटी कितनी सी, तो इधर पॉजिटिव इधर क्या है नेगेटिव। ये बैटरी चाहेगी कि यहाँ मैं इतना चार्ज कर दूँ और यहाँ मैं इतना चार्ज कर दूँ, मीन्स पोटेंशियल 2 वोल्ट का कर दें। ये प्लेट पॉजिटिव है तो 2V into C बेटा प्लस 2V into C माइनस। बैटरी जोड़ने के बाद आपका अरेंजमेंट ये बन जाएगा। अब इसको मत देखो चार्ज को, अब ध्यान से देखो, इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था CV, अब कितना हो गया प्लस का 2CV, तो बैटरी ने चार्ज कितना भेजा होगा। भाई जो चार्ज फ्लो करेगा फाइनल माइनस इनिशियल, इस पे चार्ज कितना है फाइनल 2CV माइनस, इनिशियल कितना था माइनस का CV, तो 2CV माइनस माइनस का CV इक्वल टू 3CV, इतना चार्ज फ्लो करेगा, तब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 2CV, बिकॉज इससे माइनस CV पहले ही था, हमें इतना चाहिए तो उससे ये ऐड कर लो, इतना फ्लो करेगा पहला पार्ट। अगला पार्ट है वर्क डन बाय द बैटरी, कितना वर्क किया बैटरी ने। बेटा बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2V, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 3CV, तो वर्क क्या होता है Q into V, ये तो Q है, ये क्या है V, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो 3 into 6 CV स्क्वायर वर्क डन बाय द बैटरी। हीट लॉस कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे, हीट लॉस वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बेटा वर्क डन कितना किया 6 CV स्क्वायर, एनर्जी में चेंज कितना आया, एनर्जी फाइनल कितनी है, देखो यहाँ पे एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, क्या होती है हाफ CV स्क्वायर, तो C तो आपके पास 1/2 C, V कितना है 2V, तो 2V का स्क्वायर करेंगे, हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर बेटा, तो हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 2CV स्क्वायर। इनिशियली बात करो C इंटू इसका पोटेंशियल V था, इसको छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, सी इन टू वी, तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये नहीं लेना है, ये था इसके ऊपर, ठीक है। ये एनर्जी क्या होगी इनिशियल, ये क्या होगा बेटा फाइनल, डिफरेंस निकाल लेंगे, ये रहा सोल्व कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा, ये रहा 8 loss 9/2 CV स्क्वायर। आई थिंक समझ गए, दो बार देखेंगे समझ जाएंगे अच्छे से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन हम एक और करते हैं। आपके पास ये कोई कैपेसिटर हैं 2, अब की बार देखो एक कैपेसिटर की बैटरी थी, अब इन 2 कैपेसिटर ले लिए, एक कैपेसिटर ये है, कैपेसिटी इसकी है 2 माइक्रोफेराड, एक कैपेसिटर नीचे लगा रखा है, कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेराड, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, इसका 5 वोल्ट का है, दोनों की ये सीट पॉजिटिव है क्या, हमारे पास नेगेटिव है, समझ गए, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, कैपेसिटी गिवन है 3 और 2। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब आपने दोनों को ऐसे जोड़ दिया तो इन पे चार्ज कितना कितना है ये बताना है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो कितना करेगा, और व्हाट इज़ द कॉमन पोटेंशियल। दोनों को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल तो कॉमन होना है बेटा, क्योंकि जब पोटेंशियल कॉमन होगा तभी चार्ज फ्लो करना बंद करता है। एक हाई पोटेंशियल है किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल बेटा लो पोटेंशियल है, इसका मतलब चार्ज, ये तो पता लग गया कि चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, हाई टू लो पोटेंशियल, कितना आएगा वो देखना हमें अब। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके मेथड तो काफ़ी हैं, हम बिल्कुल आसान सा तरीका लेते हैं बेटा। ये जो दोनों कैपेसिटी वाली प्लेट है, इधर वाली
भाई दोनों जुड़ी हुई आपस में, तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा, इन दोनों पे टोटल चार्ज हो गया 15 इसका, 20 इसका, 35, 20 प्लस 15 35, ये तो हो गया चार्ज दोनों प्लेट्स पे। अगर मैं मानूं कि पोटेंशियल दोनों का कॉमन पोटेंशियल V है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V है, तो चार्ज क्या होता है C इंटू V, इसकी कैपेसिटी कितनी 2, पोटेंशियल कितना V, तो 2V, इसी कितनी कैपेसिटी 3, कितना पोटेंशियल V, तो 3V, मींस इसका चार्ज तो 2V होगा, इससे क्या होगा 3V। कनेक्शन से पहले चार्ज है 35, जोड़ने के बाद V कॉमन पोटेंशियल हो गया बेटा, तो C इंटू V और C इंटू V, इसके लिए C कितना 2, इसके लिए कितना 3, तो 2V इंटू 3V 5V, चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा, नया तो कोई आएगा नहीं, तो 35 इक्वल टू 2V प्लस 3V, तो 5V आपके पास ही हो जाएगा, V कितना आएगा 7 वोल्ट, मीन्स दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, मैं थर्ड पार्ट पहले कर दिया बेटा, कॉमन पोटेंशियल आ गया 7 वोल्ट का। अब चलते हैं आगे, न्यू चार्ज कितना होगा बेटा, न्यू चार्ज आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट पे आ गया मैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, न्यू चार्ज। अब नया चार्ज निकालना है तो कैपेसिटी उतनी रहेगी, पोटेंशियल ने आपके पास आ गया, तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V। C1 कितना था 2, V कितना है कॉमन 7, 2 × 7 14 माइक्रोकूलम, C2 बेटा 3 था, V कितना है 7, तो 3 × 7 21 माइक्रोकूलम, ये नया चार्ज आ गया। अब चार्ज फ्लो कितना किया, इस पे चार्ज पहले 20 कूलम था, बाद में कितना हो गया 14 कूलम, इसका मतलब कितना हो गया 6 कूलम चार्ज यहाँ से आ गया। देखो यहाँ 20 था बेटा, 14 बचा है, इट मीन्स 6 कूलम चार्ज गया, यहाँ 15 था इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया 21 माइक्रोकूलम हो गया, चार्ज फ्लो कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम, 20 माइनस 14। एक पार्ट मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ वैसे ही, कि चेंज इन एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी दोनों की इनिशियल निकाल लो, यू इनिशियल 1/2 C1V1 स्क्वायर एनर्जी पहले की, यू फाइनल 1/2 C2V2 स्क्वायर बेटा, C1 है 2, V1 है 10, 10 का स्क्वायर 100, C1 है 3 और V2 है 5, 5 का स्क्वायर 25, ये इनिशियल एनर्जी आएगी, हम सोल्व कर लेंगे। उसके बाद निकालनी है एनर्जी फाइनल जोड़ने के बाद, जब आपने दोनों कनेक्ट कर दिया आपस में, तब क्या हुआ, पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे V1 V2 था, यहाँ सिर्फ V है, C1 कितना है 2, V कितना था 7, उसका स्क्वायर 49, C2 कितना है 3, C1 का स्क्वायर 49, सोल्व कर लो आपका सी आएगी, डिफरेंस कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, ये आपका लॉस हो गया 15 माइक्रो जूल एनर्जी। ठीक है, आई थिंक जो टॉपिक समझाया है उसका कॉन्सेप्ट सबको समझ में अच्छे से आ गया है, जब क्लासेस दोबारा रेगुलर होंगी स्कूल में बेटा तो और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ना बोर्ड पे थोड़ा सा अलग तरीका होता है पढ़ाने का, वहाँ आप क्वेश्चंस इंस्टेंटली पूछ सकते हो हमसे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर आपको कल पढ़ाएंगे, ये जो लेक्चर पढ़ाया है कैपेसिटर का जो टॉपिक मैंने कहा है पहले, बड़ा थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आपके लिए, तो उसको हर रोज़ अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।